इसमें चॉकलेट बिल्कुल भी नहीं है और हम जिल के साथ एक मस्त सा प्रैंक कर रहे हैं। तेरे लिए एक सरप्राइज लाया हूँ। कुछ गंदा निकला ना तो? अरे बिल्कुल गंदा नहीं है। ये देख रहे हो, खुशी देख रहे हो, चेहरे में खुशी आ रही है। तीन काउंट में अपन इसको सरप्राइज देने वाले हैं। 3, 2, 1 टन टन। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। हाउ आर यू भारत, दिस इज विशाल द वे। तो आप सभी लोगों ने बहुत ज्यादा गुजारिश की थी कि भैया रामेन का मेकिंग वीडियो किधर है और आपका खासकर एक्सप्रेशन लेने वाला वीडियो किधर है। तो आज अपन ये वीडियो स्पेशली रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो अभी बजे हैं रात के, कितने बजे हैं यार, मैंने मेरे को खुद को नहीं पता कितने बजे। तो अभी बजे हैं रात के 9:43, मतलब कि मोटा मोटा लेके चले तो रात के 10 बजने वाले हैं। और अब त्रिशांत भैया हमारे कहाँ गए? अरे गायब हो गए त्रिशांत भैया। अरे कहाँ गए? ओ देखो, वो निकाल रहे हैं रामेन को। ओ क्या बात है, त्रिशांत भैया बनाने वाले हैं रामेन और हम खाने वाले हैं रामेन। Oh no. Yes. और अभी मैं आपको इसको खा के बताऊंगा कि कैसा लगता है मुझे। अभी फिलहाल मैं अपने प्रीवियस व्लॉग की एडिटिंग करूंगा यहाँ पर बैठ के, और वहाँ पे त्रिशांत भैया बनाएंगे रामेन को, के बाद अपन टेस्ट करेंगे एंड देन आप लोग को बताएंगे। ये रखा है हमारा बैग जो कि अभी अभी हम लोग अपने रूम से लेके आए। इसके अंदर हमारा पूरा लैपटॉप और एडिटिंग का सामान रखा हुआ है, इसको अपन को अभी बाहर निकालना पड़ेगा। तो चलो 1, 2, 3। तो ये देखो हमारा पूरा सामान बाहर निकल चुका है। ये रहा हमारा लैपटॉप, ये रहा हमारा हार्ड डिस्क, ये माउस एंड ये है हमारा चार्जर। इट्स विशाल द वे में इंस्टाग्राम आईडी, यहाँ पर द विशाल द वे लिखा है लेकिन इट्स विशाल द वे है मेरी इंस्टाग्राम आईडी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। जल्द से जल्द अपन को 10K करने के, ठीक है, काम करो, एंजॉय करो, लाइफ इज ऑल अबाउट दैट। भैया कितना टाइम लग जाएगा रामेन बनने में? बस अभी मैं थोड़ा प्रिपरेशन कर लूं। ओके, मस्त भुवन बाम भाई टाइप का दिख रहे हो। ये देखो, ये देखो अमीर बुद्धि। सच्ची लेकिन आप मजाक नहीं, आपके साथ में एक वाला वीडियो अपन जरूर बनाएंगे, मजा आ जाएगा। और प्रैक्टिस करके रखना आप। जिग्नेश को क्या बनाएंगे अपन, क्या लगता है क्या बन सकता है वो? झाड़ू पड़ा है उधर। जीगा हम जोत करी, क्या बढ़िया काम मिला ना। By the way भैया, nice lights हाँ, बहुत अच्छी लग रही है। और करेंगे अपन, वर्क करेंगे। देखिए गाइस, तो अभी हमने अपना प्रीमियर प्रो ओपन कर लिया और एडिटिंग में अपन बैठ चुके हैं। वहाँ पर देखो पूरा कैमरा सेटअप हो रहा है और त्रिशांत भैया भी रेडी है एकदम शूट उट करने के लिए। वो देखो जो कि आप लोगों को त्रिशांत भैया के चैनल पे देखने को मिलेगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो आप लोग जाके आराम से देख सकते हो। बाकी आपको एंटरटेन करने का काम तो हम रोज ही करते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करो और बाजू में जो घंटे का आइकन है उसको दबा दिया करो। अभी तक हमारी जो एडिटिंग है वो आधी हुई है और त्रिशांत भैया का यहाँ पर संदेश आ चुका है कि तैयार हो गई है रामेन। मेरे साथ साथ जिग्नेश भाई भी ट्राई करने वाले हैं रामेन को, ठीक है। ये कौन बोला भाई? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये कौन बोला क्या? ऑब्वियसली ट्राई तो करेंगे ही ना भैया। गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? भगोड़ा है कौन? ये चैलेंज से भागता है, ये जेंटलमैन रीडर। तो त्रिशांत भैया यहाँ पर लेके आए हैं रामेन। देखने में कैसा तीखा लग रहा है विशाली? नहीं ये तो नॉर्मल मैगी जैसा लग रहा है। हाँ यूपी नूडल्स जैसा लग रहा है। हाँ यूपी नूडल्स जैसा ही तो है। तो लेट्स ट्राई, बस इसमें ना वेजीज ज्यादा है। ओके मशरूम है। अच्छा ये मशरूम है। ये तो यार मेरे को एकदम नॉर्मल मैगी होती ना वैसा टाइप का लग रहा है। तो अभी अपन इसको खाते हैं, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसको खाने के लिए। जिग्नेश भाई पकड़ेंगे कैमरा। चलो चलो जिग्नेश, चलो 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 रेडी हो जाओ बेटा। अरे उठ ही नहीं रही है। स्मेल, हाँ स्मेल बहुत अच्छी आ रही है स्मेल। अभी देखो अपनी एडिटिंग आधी हुई है, यहाँ तक बस एडिटिंग हुई। तो अभी हमने रामेन बना लिया है जो कि हमारे सामने ये देखो यहाँ पर रखी हुई है। दादा इधर नहीं करूंगा वरना मेरा लैपटॉप पड़ा हुआ है। भाई आप क्या चाहते हो, मेरा लैपटॉप का अंतिम संस्करण? अपन ध्यान से आराम से करेंगे। तो अपन खाते हैं, मैगी टाइप का ही है और कुछ भी नहीं है। पता नहीं क्यों इसको इतना स्पेशल माना जाता है। मैं पहले ट्राई करूं? यस, मेरे को रिएक्शन देखना है। देखो ना कितना सारा आ रहा है, तो पकड़ में भी नहीं आ रहा। पहली बाइट ऑफ रामेन। अच्छा गाइस अभी बच चुके हैं शाम के 5 और अब मैं त्रिशांत भैया के रूम से अपने रूम की तरफ जा रहा हूँ। एक्चुअली रात को ना एक मस्त सा प्लान मेरे दिमाग में आया और वो प्लान कुछ ऐसा है कि हम अभी इसी वक्त थोड़ी ही देर में जाने वाले हैं
जील मैम के पास और वहां पर जाके उनके साथ एक छोटा सा सरप्राइज एंड काइंड ऑफ प्रैंक भी आप बोल सकते हो जो कि हम करने वाले हैं। छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है और इसके बारे में जील मैडम को बिल्कुल भी पता नहीं है, तो मजा आ जाएगा। तो अभी अपन यहाँ से चलते अपने रूम की तरफ, जिग्नेश भाई वहां पर वेट कर रहे हैं, उसके बाद वहां से जाएंगे कुछ लेने के लिए जिसका प्रैंक हम करने वाले हैं। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस सरप्राइज के लिए। तो त्रिशान भैया अभी रूम की सफाई कर रहे हैं, ये देखो झाड़ू वाड़ू मारने का काम चल रहा है। नहीं नहीं बढ़िया है भैया, नहीं अपने घर में मारना चाहिए ऑब्वियसली, मालिक बनने से पहले नौकर बनना सीखना चाहिए लोगों को। आह क्या लाइन निकली ना मेरे मुंह से, मालिक बनने से पहले नौकर बनो, वाह 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 क्या बात है। तो चलो इनको अभी झाड़ू मारने देते हैं और हम अपनी जाने मन को लेके निकलते हैं अपने रूम की ओर। चलो, जाने मन बेचारी बहुत ज्यादा त्रस्त हो चुकी है इस मालिक से। तो फिलहाल अपन पहुंच चुके हैं अपने रूम पे, जल्दी से अपने रूम को खोलते हैं। कहां गया टन टन देख रहे हो, कब से वेट कर रहा है जिग्नेश अपना। तो जल्दी से अपन इस बैग को रखते हैं, ये बैग रख दिया इधर और जल्दी से अपन निकलते हैं। ओके चलो, पहले मेरे को पानी पी ले दो फटाफट। तो गाइस अभी हम लोग अमित नगर सर्कल पे हैं, लेकिन सर्कल हमारे नीचे है, हम सर्कल के ऊपर हैं क्योंकि हम ब्रिज पे खड़े हुए हैं। और यहाँ पर खड़े इसलिए हैं क्योंकि वो जो सूरज महाराज है ना, आज सूरज भगवान है, वो बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। देखो यार कितना ब्राइट लग रहा है सूरज, बहुत ब्राइट लग रहा है। दिनेश भाई यहाँ पर स्नैप लेने का काम कर रहे हैं, वो देखो देखो इसने स्पेशली रोका कि आप स्नैप लेंगे। अभी हम पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन पे और यहाँ पर जिग्नेश भाई ने स्कूटी को पार्क कर दिया अभी। अरे बैठ मत, चल अपन को चलना है शॉप में, चल चल जल्दी जल्दी जल्दी, अभी अपन को शॉप ढूंढना पड़ेगा और अच्छे से शॉप में अपन को चॉकलेट्स वगैरह लेने पड़ेंगे। क्या हो गया साले, तू मेरा शर्ट खींच रहा है, क्या हो गया? देख रहे हो लड़का बिगड़ रही है, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो ये जो पीछे आपको शॉप दिख रही है ना, यहाँ से अभी हमने दो डेयरी मिल्क ले ली है जिल मैडम के लिए। ये देखो दिखा दिया, अरे पहले ही दिखा दिया ये बंदा तो, ठीक है। सो पहली एंड ये दूसरी, और ये हम लोग अभी गिफ्ट करने वाले हैं, लेकिन इसमें सस्पेंस कुछ ऐसा है। मैं क्या बोलता हूँ, बोला एक डेयरी मिल्क अपन खा एक डेयरी मिल्क चटोरी है भाई, वो कुछ नहीं देने वाली, वो तो मेरे को पता है भाई, कागज खा जाएगी भाई। देख उसको अगर अपन ने दे दिया ना तो भाई खत्म, कागज तक खा जाएगी, रैपर तक खा जाएगी, एक बूंद रैपर का नहीं बचेगा। इसमें अपन प्रैंक कैसा करेंगे पता है, ये जो डेयरी मिल्क है ना, इस डेयरी मिल्क को अपन निकाल लेंगे और इसका रैपर बस सबसे पहले अपन उसको देंगे, उसके बाद फिर पूरी डेयरी मिल्क है वो उसको देंगे, लेकिन सबसे पहले अपन रैपर देंगे। तो अभी जिग्नेश सबसे पहले ये ले, वो इंतजाम कर फटा, वो यहाँ से आएगी तो उसको पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है। हर एक चीज एकदम भैंस के टांग में रख मेरे पॉकेट में, हाँ एकदम खत्म करके, कोई दिक्कत नहीं। तो जिग्नेश भाई अभी जा रहे हैं कुछ सेटल वेटल करेंगे उसको अच्छे से, और फिर अपन प्रैंक करेंगे। ये वाली तो मैंने ऐसा रखा है, इससे प्रैंक नहीं करेंगे, वाली से प्रैंक करेंगे। काम हमने जिग्नेश भाई को दिया था वो काम उन्होंने बखूबी निभा दिया है। और यहाँ पर ये देखो क्या हुआ, टुकड़ा नहीं हुआ ना, ये देखो भाई खा रहे हैं तो जिग्नेश भाई को लालच आ रही है, लेकिन उससे पहले हम जील मैडम पे प्रैंक करेंगे, उसके बाद ही जिग्नेश भाई खाएंगे। और ये देखो कुछ इस तरीके से, ये पूरी की पूरी बाहर निकल गई है और कुछ इस तरीके से, अरे रुक जा रुक जा, पहले पहले रुक जा, अभी उसको आने में टाइम लगेगा, 10-15 मिनट का टाइम है उसको आने में, तब तक इसको अंदर ही रख वरना ये पिघल जाएगी। हाथ में रख ला रहा हूं इसको, कोई नहीं खा रहा इसको, जल्दी रख जल्दी रख। तो ये है जो कि हमने इसे रैपर से निकाल दी है, और ये दूसरी डायरी मिल जो कि यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है। देखो पता भी नहीं लग रहा है कि यहाँ पर कहीं पर भी इसमें डेयरी मिल्क नहीं है, ये पता भी नहीं लग रहा है। देख रहे हो कितनी स्मूथली इन्होंने की है, क्या बात है। बंदा काम का तो है तू, ये जो लड़की है ना ये दोनों खा जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, इसलिए अपन एक तो खा ही लेते हैं। तो जील मैडम फाइनली आ चुकी है और जिग्नेश भाई अभी उनको लेके अंदर गए हैं, वो लोग चाय पीने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर चाय पीते रहेंगे और मैं पीछे से एकदम छुपके से जाऊँगा और उसके साथ एक अमेजिंग सा प्रैंक करूँगा, ठीक है। सो गाइज ये है हमारी वो चॉकलेट जिसमें बिल्कुल भी चॉकलेट नहीं है, जील जो है वहाँ पर बैठी हुई है, तो चलो उसको जाके चॉकलेट देते हैं, मज़ा आ जाएगा। इसमें चॉकलेट बिल्कुल भी नहीं है और हम जील के साथ एक मस्त सा प्रैंक कर रहे हैं। पहले अपन देख लेते हैं, वो देखो वहां पर दोनों के दोनों बैठे हुए हैं, सामने दोनों के दोनों बैठे हुए हैं, वो देखो। ओहो हो हो, देखो 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 देखो, तीन मूरत यहाँ पर बैठी हुई है। ये पहली, ये तो मूरत ही नहीं है, ये पहली मूरत, वो दूसरा मूरत, और तू क्या कर रही है इधर? ये मूरत अच्छा बोले, ये तेरे लिए एक सरप्राइज लाया हूँ मैं, कुछ गंदा निकला ना तो? अरे बिल्कुल गंदा नहीं है एकदम, अरे अरे जबरदस्त सरप्राइज है, चाहिए तेरे को चाहिए, अरे मस्त सरप्राइज है, पूछ जिग्ने से पूछ। अरे वो तू कहाँ दे रहे उसको, अरे सच्ची बहुत अच्छा सरप्राइज है, पक्का जिग्ने से पूछ ले, अरे मजाक नहीं करो, जिग्ने से पूछ ले तो देना। क्या बोलता है कार्तिक, दे दू सरप्राइज?
बेजान दिल का। पक्का पक्का ये देख रहे हो, खुशी देख रहे हो चेहरे पे, खुशी आ रही है, दे दूंगा पक्का। जिग्नेश क्या बोलता है? जूता निकालूं? चलो ठीक है, तो तीन काउंट में अपन इसको सरप्राइज देने वाले हैं। ओके 3 2 1 टन टन। अरे खोल के दिखा, खोल के दिखा। क्या खाली रैपर दे रहा है मुझे? कितने तमीज, निहायती बेशर्म। स्पेशली तेरे लिए लेके आया, देख देख अंदर। अरे दिल दिल से देख अंदर, तेरे चॉकलेट दिखेगी तेरे को। निहायती बेशर्म है तू। मैं अपने दोस्त के लिए इतना नहीं कर सकता। ये देखो मोदी सर क्या कर रही है, ये देखो देखो स्वच्छता अभियान चल रहा है और ये ऐसे चॉकलेट गिरा रही है। इतना मस्त चॉकलेट लेके आया मैं तेरे लिए। अरे ले ले, रख ले। लेना, ओ इसको बोलना चॉकलेट। बस बस बस, ये तू तू और तू बता रहा है उसको। मैं अरे सच्ची तेरे लिए लेकर था यार। अभी मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या, मैं एक तरफ चॉकलेट है और एक तरफ सॉस है। अगर मैंने चॉकलेट दी तो सॉस मेरे पर आ जाएगा। ये रख तो सही, एक और सरप्राइज है तेरे लिए। नहीं जाइए, एक और सरप्राइज है। ओए ओए, अरे सच्ची एक और सरप्राइज है। नहीं जाइए, इसको रख पहले। हाँ अभी जिल के लिए एक और सरप्राइज पक्का। इधर देख ले, फिर तेरे इश्क ने ही। क्या हो गया भाभी जी, क्या बात है? चलो हाँ आपके लिए स्पेशली सरप्राइज है, सरप्राइज है, सरप्राइज है, सरप्राइज है। ऐसा वो मत होएगा। तीन काउंट में एक और नया सरप्राइज। कहाँ गया? अभी मिल नहीं रहे। हाँ 1 2 3 ये मिला ना सरप्राइज, ये सही है, ये अच्छा सरप्राइज है। थैंक यू सो मच विशाल द वे। बताओ सिर्फ थैंक यू बोल के निकाल दिए था ये, इतना इतना नहीं हो गया? फिर तो ओहो क्या बात है। इधर देख चाय, ये तो बनता है, ये एक तो बनता है मेरे तरफ से। ये मैंने सरप्राइज दिया तेरे को, एक तो बनता है। नहीं 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 नहीं, घड़ी 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 नहीं, बहुत महंगी घड़ी है मेरी। तो गधे वो खुली थी। अच्छा घड़ी पहना रही थी? हाँ तू तो टोपी पहना रही थी, घड़ी कब से पहनाना शुरू कर दी? गाइस आप सभी लोगों ने देख ही लिया कि हमने किस तरीके से प्रैंक किया जिल मैम पे। दो दो लैपटॉप के साथ यहाँ पर एडिटिंग का काम कर रहे हैं। प्रशांत भैया का फर्स्ट वीडियो भी आ चुका है, ओके डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, तो जल्दी से जाओ। अगर अभी तक इस ब्लॉग को देख रहे हो तो प्लीज लाइक का बटन दब जाना चाहिए, कॉमेंट करके जाना कैसा लगा ब्लॉग। इसी के साथ जमे रहिए, बने रहिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। विशाल दवे को विदा दीजिए, जय श्री कृष्ण। तो कल के अमेजिंग ब्लॉग में आप सभी लोगों से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए काम करो, एंजॉय करो, लाइफ इज ऑल अबाउट दैट। बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड, ठीक है? मजेदार कंटेंट आने वाला है।